नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 16 अगस्त 2021 और यहां पे 17 अगस्त 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करेंगे जिसमें APL अपोलो है। देखिए, मेटल में वैसा मूवमेंट तो आया था शुरू में, उसका सारे मूवमेंट खत्म करके लगभग मैक्सिमम स्टॉक की बात करें तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। इसके पास रेजिस्टेंस जोन 1680 रुपए का है, 1680 का। अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में तो 1760 तक के लेवल दिखाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें APL अपोलो ट्यूब में, इसका भी खेल समझ में नहीं आ रहा है। कैंडल देखिए कुछ भयानक करने के मूड में तो ये भी बैठा हुआ है अडानी इंटरप्राइजेस। याद रखिए 1465 एक लेवल नोट कर लीजिए, 1465 के ऊपर ये निकलेगा तो आपको ये 1500 और 1520 तक के टारगेट बहुत तेज़ी से ऊपर दिखाएगा, और अगर ये नीचे 1400 को ब्रेक करता है तो गिर जाएगा, 1360 तक के लेवल आपको फिर दिखा सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो देखिए कोल इंडिया के पास काफ़ी क्रूशियल लेवल है और वो लेवल आ रहा है 140 रुपये का। अगर 140 के नीचे आता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, देन 137 तक के टारगेट दिखाएगा। ऊपर अगर 148 को ब्रेक करता है तो 152 तक का टारगेट कोल इंडिया आपको दिखाएगा। हिंडालको की बात करें, होल्ड कर रहा है, डिविडेंड दिया है, मज़े में है, एंजॉय कर रहा है, 450 के ऊपर निकलेगा, 460 से लेकर 70 का टारगेट आपको हिंडालको दिखाएगा। हिंदुस्तान जिंक यानी हिंद जिंक की बात कर ले, आज अच्छा मोमेंट मिला, 3% की तेज़ी, और एक अच्छा लेवल मिल सकता है 335 का नेक्स्ट टारगेट अभी हिंदुस्तान जिंक में दोबारा आपको देखने को बन सकता है। 335 के लेवल हैं हिंदुस्तान जिंक में, अगर वो लेवल ब्रीच होता है देन आपको 345 तक के भी लेवल आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में आने वाले समय में। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है 335 रुपये का हिंदुस्तान जिंक। JSW स्टील की बात करें 760 बढ़िया है, और ये मुझे लग रहा है कल एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है और भी ऊपर, कल 770 को अगर ये ब्रेक करेगा तो ये 785 से लेके 800 तक के टारगेट देने की क्षमता रखता है JSW स्टील। जिंदल स्टील की बात कर ले तो इसके पास जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है वो आ रहा है 435 से 40 तक का, ये ब्रेकआउट चाहिए। आप देख रहे हैं यहीं पर से स्टॉक ये बार बार गिरता है, 440 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 460 तक के लेवल आपको दिखाएगा। मोइल की बात करें तो देखिए ज़बरदस्त तरीके से मोइल 175 के पास ट्रेड कर रहा है, नीचे अगर 172 को ब्रेक करता है तो 167 के लेवल दिखाएगा, ऊपर अगर 182 को ब्रेक करता है तो 188 तक का टारगेट आपको मोइल में देखने को मिलेंगे। NMDC की बात करें, ब्रेकआउट चाहिए। देखिए ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ से ब्रेकआउट तो हुआ था, यहाँ से ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके यहाँ पर सस्टेन किया। प्रॉब्लम यहाँ पर है 175 रुपये का लेवल, कितने का लेवल, 175 के लेवल में प्रॉब्लम है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट ऊपर होता है देन आपको ये 180, 190 और 195 तक के टारगेट NMDC आपको दिखा सकता है, नज़र बना के चल सकते हैं। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें अगर दोस्तों, तो नेशनल एल्युमिनियम 85 के ऊपर निकलने के बाद 87 और 90 तक के टारगेट कैच कर सकता है। और नेशनल एल्युमिनियम के बाद रत्नामणि मेटल्स, देखिए भाई ये अब 2200 के ऊपर, इसके पहले अब इसको छोड़ दीजिए आप, है ना, या तो 2160 को ब्रेक करे तो 2200 का टारगेट देगा, और 2200 के ऊपर निकलेगा तो 2250 के टारगेट दिखाएगा। नीचे के अगर ये ब्रेक कर देता है 2080 को तो सेल करिए 2050 के टारगेट के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, 140 का रेजिस्टेंस है, 140 के बाद 145 का टारगेट। टाटा स्टील बेहतरीन मूवमेंट दिखाया, टाटा स्टील ने हाई के ऊपर ओपन हुआ, ये रेंज है ना, ये रेंज को ब्रेक कर दिया, अब मेरे ख्याल से और भी इसको ऊपर जाना चाहिए, 1560 के लेवल आपको दिखाएगा टाटा स्टील। टाटा स्टील अपसाइड में अगर कल ब्रेक करता है 1535 को, 36 को, 37 को, तो आपको 1560 तक के लेवल टाटा स्टील दिखा सकता है। वेदांता की बात करें तो वेदांता ने भी 2.5% का तेजी, ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाया और 340 का रेजिस्टेंस लिया। देखिए यहाँ से स्टॉक जैसे 280 से निकला है, मेरा लेवल था 280 के ऊपर, मैंने जो कॉल दिए हुए थे वो 280 के ऊपर दिया था, 280 के ऊपर, 280 के बाद मैंने 320 तक के टारगेट दिए थे, वो सारे काम खत्म कर गया इसने, सारे टारगेट हो गए और उसके बाद भी ये रुक नहीं रहा है, तो शानदार है। 340 के ऊपर जाएगा तो अब 350 के टारगेट देगा वेदांता। वेलस्पन कॉर्प की बात कर लें तो अभी होल्ड करेंगे, वेलस्पन कॉर्प में ज़्यादा कुछ करना नहीं, 132 के ऊपर निकलने के बाद 140 का टारगेट, और नीचे 122 को अगर 21 को ब्रेक करेगा तो 118 तक का टारगेट वेलस्पन कॉर्प आपको दिखा सकता है। दोस्तों हिंद कॉपर की बात करें, एक स्टॉक है हिंद कॉपर, तो हम लोग हिंद कॉपर में भी चलेंगे और देखें हिंद कॉपर क्या पोजिशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिंद कॉपर में स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रहा, बिल्कुल सही है। हिंद कॉपर 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे 140 के लेवल से, हिंद कॉपर तो हम लोगों ने देखा ही था ना,
हिंदुस्तान जिंक, एक और कोई स्टॉक था जो सेम इसी तरह का प्राइस में था, हिंद कॉपर के अलावा भी हम लोगों ने देखा था ना, वो शायद एनएमडीसी था या एनएमडीसी, हाँ या वही था। देखिए दोनों का चार्ट एक जैसा है, कन्फ्यूज हो गया मैं, कह रहे कहीं चार्ट गलत तो नहीं देख रहा। देखिए सेम तरीके से वो भी किया। हिंद कॉपर इसके साथ भी वही बात है, 140 का रेजिस्टेंस है और 140 के ऊपर निकलने के बाद 145 से 50 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे हिंद कॉपर में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अब चलिए जरा मेटल के बाद आईटी स्टॉक्स पर नजर लगाते हैं और देखते हैं कि आईटी स्टॉक कहाँ पर होल्ड कर रहा है और क्या लेवल उसमें बन सकता है। उसके बाद फार्मा को भी देख लेंगे। आईटी में सबसे पहले बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करें तो देखिए बिरला सॉफ्ट ने बिल्कुल इज्जत रखा, जैसे स्टेन लाइन का ब्रेकआउट आया यहाँ से, मैंने एरो दिया था कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल ऊपर गया और ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अब इसके पास 440 का टारगेट था मेरा, 440 वाला वो टारगेट हो गया है डन। अब 440 के ऊपर निकल जाएगा देन 450 से 60 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है बिरला सॉफ्ट। इसके अलावा एससीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक ने अपना मूवमेंट पकड़ा है, काफ़ी दिनों के बाद बहुत शानदार। यहाँ से देखिए क्या स्टॉक भागा है, 1100 के 1080 के बाद तो ये हवाई जहाज हो गया और शानदार तरीके से चलता जा रहा है। कल अगर 1130-32 को ब्रेक करें तो 1155 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है एससीएल टेक्नोलॉजी। इंफोसिस थोड़ा सा अपने आपको होल्ड किया है आज और थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए 1720 के ऊपर। इन्फोसिस दोस्तों 1720 लेवल याद रखिए, 1720 के ऊपर अगर निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा। 1800 तक के भी लेवल दिखाने की क्षमता रखता है शॉर्ट टर्म में, 1750 से लेके 1800 तक का। लेकिन यही अगर ये गलती से 1690 के नीचे निकल गया तो 1675 से 1650 तक के लेवल आपको दिखा सकता है इन्फोसिस। इसके अलावा टाटा इलेक्सी की बात करें तो आ गया टाटा इलेक्सी में यही रेंज, देखिए दो बार मैंने एरो लगाते, एक बार यहाँ से गया था ऊपर फिर यहीं से जाना था, ये नहीं जा पाया लेकिन अब गया, तो अब गया है तो अच्छी बात है, अब जाएगा कोई टेंशन नहीं है। ऊपर देखिए जोन है इसके पास 4470 का, ब्रेक करेगा 4550 के टारगेट आपको तुरंत से दिखा देगा। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है 4470 का तो आपको 4570 तक के टारगेट 100 पॉइंट तुरंत, इसके लिए 100 पॉइंट देना कोई बड़ी बात नहीं है, मस्त स्टॉक है। अब मूवमेंट वाला स्टॉक है माइंडट्री। माइंडट्री के लेवल देखिए 3000 वाले लेवल थे आज का हाई, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट ये 2998 रुपये के आसपास का हाई लगाया, यानी शानदार हाई लगाया, 2 पॉइंट से 3000 बज गया। अब देखिए नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर गया 2890 के पास को नीचे अगर ये ब्रेक कर दिया तो ये कमज़ोर हो जाएगा। 2870 तक के टारगेट, दूसरा टारगेट आएगा 2830 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड करिए, और एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा गूगल प्ले पे। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से भी लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। माइंड के बाद आगे बढ़ूंगा विप्रो, विप्रो के साथ क्या स्थिति है देखिए, 621, 622 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया, वो ब्रेक करेगा 630 तक के टारगेट आपको विप्रो आराम से दिखा देगा दोस्तों। इसके अलावा अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा ने आज 1400 का हाई लगाया, मतलब बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया इसने। और नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करेगा 1360 को तो 1340 का प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, लेकिन अब 1400 के ऊपर निकलेगा तो 1425 से 1450 का नेक्स्ट टारगेट टेक महिंद्रा आपको दिखाएगा। इसके अलावा अगर बात करें टीसीएस का, तो मैंने टीसीएस का, अच्छा आप लोग बताइए तो टीसीएस का लेवल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, याद करिए, मैंने याद करा दिया था टीसीएस का लेवल 3400 नहीं याद करा दिया कि 3400 को जैसे ब्रेक करे आप देखेंगे टाइम नहीं लगाएगा आपको ये 3500 से 3600 के टारगेट तुरंत देगा। तो आप देखिए जैसे ही 3400 को ब्रेक किया, क्या इसने नहीं लगाया है 3494 यानी 3500 के टारगेट तो डन हो गए लगभग, अब बचा 3600 का तो वो भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपको। और मेरे कॉल तो यहीं पर से एक्टिवेट थे, इसी जगह से 3250 के ऊपर से, तो अगर प्रॉफिट आपने बनाया है मेरे कॉल से तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक देके बता सकते हैं। आगे बढ़ूंगा दोस्तों और टीसीएस के बाद कोफोर्स, देखिए 4785 के आसपास में कोफोर्स ट्रेड कर रहा है।
ठीक ठाक लेवल है, ख़राब नहीं है, और ये बेहतरीन मूवमेंट करेगा। 4900 को ऊपर अगर ये ब्रेक करे तो आपको 5000 के टारगेट तुरंत से दिखा देगा। 4750 के नीचे आता है तो ये आपको 4700 तक के टारगेट दिखा देगा। नौकरी इन्फो एज याद रखिए, 5600 के लेवल को जैसे ये ब्रेक करेगा 5700 का टारगेट देगा, लेकिन अगर ये 5500 को ब्रेक करेगा तो 5600 का टारगेट देगा। LTI की बात करें, L&T इन्फोटेक की, तो 4920 का लेवल आ रहा है, अगर वो ब्रेक कर गया या 4900 को भी ब्रेक कर गया तो 5000 तक के टारगेट ऊपर दिखाएगा। नीचे 4750 को ब्रेक कर गया तो कमजोर हो जाएगा, 4700 के टारगेट देगा। एम्फासिस की बात करें तो अपसाइड में देखिए 2800 का लेवल आ रहा है, 2800 के ऊपर निकलने के बाद अच्छा पोजीशन बनेगा 2850 से 2900 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल देखिए, आज इसने लक्षण दिखाया था, आप इसके नेचर को पकड़ना पड़ेगा, ये कुछ करना चाह रहा है, ये कुछ बताना चाह रहा है ये स्टॉक। मैं आपको जस्ट डायल देखिए, जस्ट डायल एक ऐसा स्टॉक है जो इस तरह के कैंडल को नहीं बनाता है जल्दी, इस तरह के ट्रेंड में वो नहीं फंसता है जल्दी। अगर आप इसके हिस्ट्री को जानते हैं, क्योंकि मैं तो इसको तब से ट्रेड करता हूँ जब ये 200-250 पे था, ठीक है, मैं तब से इसको ट्रेड करता हूँ और इसके सक्सेसफुल्ली इसके साथ मतलब मेरा रिश्ता है पुराना, तो इसके साथ मैं इस तरह से ट्रेड करता जब ये 200-250 पे था। आज ये स्टॉक भले ही 1100-1100 पे चला है, ठीक है, तो अब से इसने जल्दी इस तरह के कैंडल नहीं बनाता, ये जिस तरह के कैंडल बना रहा है ना ये कुटाही वाला कैंडल ये ऐसा नहीं बनाता है। और ये अगर ये ऐसा जब भी बनाया हिस्ट्री में, उसके बाद जब मूवमेंट देता है ना तो फोड़ के मूवमेंट देता है। देखिए ये कैंडल देख रहे हैं, फोड़ के पैसा दिया, चाहे ऊपर दे चाहे नीचे फोड़ के देगा। इसलिए इस पर नज़र रखिए, इसको टिकाइए, इसको गोटी कहते हैं ना हम लोग बिहार में, कहते हैं कि गोटी पे नज़र टिकाओ, पिलाओ इसको, है ना। तो उसी तरह एकदम टिका करके 980 के ऊपर जाएगा ना, 1000-1020 के टारगेट तुरंत से दे देगा आपको। अगर ये नीचे ब्रेक कर दे तो अभी सही है, 945 के नीचे गिरेगा तो 900 का टारगेट दे देगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात कर लें, 1450 के ऊपर निकलेगा 1500-1550 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। तो ये था निफ्टी के मेटल और आईटी पे मेरा व्यू। अब चलिए फार्मा को जल्दी से लगाते हैं, और विंडो फार्मा, इसको ना कोरोना हो गया है, इसको पक्का इस स्टॉक को ना पक्का कोरोना हो गया। ये जहाँ से मैंने ये सब ये लाइन लगा कर रखा था, ये यहीं से गिरना स्टार्ट हुआ है, इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये तब से ये तो पाताल लोक में जा रहा है, ठीक है। पता है अमेजन प्राइम पे एक सीरीज आया था पाताल लोक, देखा है आप लोगों ने, ज़रूर देखा होगा। तो देखिए ये जबरदस्त ये पाताल लोक चलाया, अब ये पाताल लोक क्या ख़त्म हो गया, ये पाताल में पहुंच गया। मेरे ख्याल से अभी भी कुछ जगह है पाताल जाने में, 725 तक के एक लेवल आ रहे हैं मेरे लिए। अगर ये सात कल लो ब्रेक करता है 734 को तो 725 का लेवल आएगा, और 725 से ही बाउंस करेगा ऊपर में, पहला कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन की नहीं आया 725 तब, तो अगर ये 750 के ऊपर निकल गया कल तो यहीं से फिर बाउंस करके 780 चला जाएगा। और विंडो फार्मा नज़र टिका के रखिए इस पर। बायोकॉन की बात करें तो चलिए अब हम बायोकॉन 380 के ऊपर 85 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनाइएगा, आपको 400 के टारगेट मिलेगा, नहीं तो ये आ गया जगह पे, अब तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर चला जाए तो, क्योंकि ये अपने लोएस्ट इन को पास आना चाहिए, वहाँ आ चुका है। अब देखिए 360 से 65 का एक छोटा सा सपोर्ट है, वो ब्रेक हो जाएगा ना तो इसका खैर नहीं, फिर तो ये 340 आ जाएगा। क्या बायोकॉन, तो नज़र रखिए बायोकॉन पे। कैडला, लगता है सारे मेडिसिन कंपनियों को कोरोना हो गया, कोरोना का इलाज दवाई बनाते अब यही लोग को कोरोना पकड़ लिया। नीचे के साइड में देखिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और वो सपोर्ट कितने का रहा है, 520 रुपये का, किस में, कैडला में। गिर जाएगा तो 500 के लेवल आपको दिखा सकता है दोस्तों कैडला हेल्थ केयर, अदरवाइज इसको बाउंस करना है तो 540 के ऊपर जाएगा, तो यहीं से 560 तक के टारगेट दिखाएगा। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला भी आ रहा है, अभी इसके पास स्पेस है आने के लिए नीचे, 870 तक का लेवल नीचे दिखाना चाहिए सिप्ला, 885 के नीचे आएगा तो 870 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। डिवीज लैब की बात करें तो डिवीज लैब 5000 के ऊपर अब निकलेगा तब नया पोजीशन बनेगा, 5100 से 5150 के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 4850 को सेल कर लीजिए, 4800 तक के टारगेट दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी बेचारा क्या करेगा, ये भी BMC वालों ने इसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, धप्पा हो गया इसका। अच्छा ऊपर की साइड में 4700 के ऊपर निकलेगा तो फिर 4800 के टारगेट दिखाएगा। ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर ले अगर हम लोग, तो ग्लेनमार्क फार्मा 590 के ऊपर निकले बाद नया पोजीशन करिएगा, अगर 585 के ऊपर भी निकल जाए तब भी ठीक है। और नीचे 200 डे का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज का छोटा सा सपोर्ट है 550 का, 550 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा, उसके नीचे आने पे इसका तिया पाचा हो जाएगा, यानी कि आपको निकल जाना है वहाँ से। लूपिन की बात कर ले तो मेरे ख्याल से लूपिन का गिरावट अब कंप्लीट हो गया जी। देखिए ये गिरा है ना जिस तरह से, हमेशा
गैप डाउन ही खुला है और उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ चला गया। लेकिन आज एक चीज़ क्या दिखा कि आज अपने इसने प्रीवियस लो को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया, उसके अंदर में ओपन हुआ, उसी के अंदर में ट्रेड भी कर रहा है। ये इंडिकेशन दे रहा है हम लोगों को कि भाई कल अगर मैं गलती से 985 के ऊपर निकल गया तो मैं ऊपर 1000 और 1020 तक भाग जाऊंगा। ये कहीं सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। PEL ये इसका तो एक आदत है, जब सारे फार्मा पॉजिटिव रहता है तो ये निगेटिव हो जाता है और जब ये सारे फार्मा निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ये अच्छा बात है, 2800 के ऊपर निकल जाए 2850 से 2900 के टारगेट देगा। स्ट्राइड फार्मा इसका भी क्या कहानी हो गया, इसका कहानी अभी इसके पास कहानी और बचा हुआ है। 600 तक का लेवल, 600 तक आना चाहिए स्ट्राइड फार्मा को। 627 के नीचे निकलेगा 615 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। सन फार्मा की बात करें, ये कम से कम ऊपर जब तक अब 805 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक सन फार्मा में कोई पोजीशन मत लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, एक स्टॉक था आज कौन सा, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल के शॉर्ट टर्म टारगेट डन हो गए, पता ही होगा आपको, है ना। टोरेंट फार्मा की बात कर लें, टोरेंट फार्मा में 3000 के ऊपर निकल जाएगा, 3050 से लेके 3100 तक के टारगेट आपको टोरेंट फार्मा भी दिखाएगा। वोकट फार्मा की अगर बात करें तो वोकट फार्मा ये होल्ड तो कर रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। 525 के ऊपर मूवमेंट करेगा, 540 से 45 के लिए नीचे ब्रेक कर गया, अगर 496, 97, 95 तो कमज़ोर हो जाएगा, गिर सकता है, 485 तक आ सकता है। नोवार्टिस में 875 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर पोजीशन लीजिएगा 900 के टारगेट के लिए। ग्रेनल्स इंडिया 395 के ऊपर जब तक नहीं जाए हाथ मत लगाइए, नीचे आने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ एक सपोर्ट इसके पास 345 का, 345 ब्रेक करेगा 335 तक भी गिर सकता है, याद रखिएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब 4010, 4015, 4016 ये सारे रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेक करेगा 4100 के टारगेट देगा। नीचे सपोर्ट जोन है 3780, 3790 ये सब सपोर्ट है, ब्रेक कर जाएगा 3700 के लेवल तुरंत दिखा देगा। एस्ट्राजेनिका की बात करें तो देखिए भाई 3300 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, अभी इसमें हाथ मत लगाइएगा। तो ये है निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी पे व्यू। अब चलिए जरा फाइनेंशियल स्टॉक को देखते हैं जिसमें बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करेंगे। 232 पॉइंट की रैली और एक बेहतरीन मूवमेंट, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई 1400 के ऊपर जाने में 14400 से 600 के टारगेट आपको दिखाएगा और इसने आज का हाई लगाया 14600 का, बिल्कुल 1413 का। कल अगर इसी जोन को ब्रेक करे, क्योंकि एकदम रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, देख रहे हैं एकदम रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, 14615, 10, 20 ये ब्रेक करेगा सीधे 14900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस की बात कर लें तो देखिए काम हो गया, मैंने क्या बोला था बजाज फाइनेंस कि 6200 के ऊपर निकलेगा तो 6350 तक के टारगेट दिखा सकता है। इसने शानदार मूवमेंट दिखाया और सीधा सीधी सारे टारगेट एक ही दिन में डन कर गया। 6400 के अब ऊपर निकलेगा तो 6450 से 6500 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है दोस्तों। चोला फाइनेंस फिर से बता दूं कि लाइव मार्केटिंग कॉल प्राप्त करने के लिए अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड करिए, गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन, वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल मिलेंगे। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए 520 के ऊपर अगर चोला फाइनेंस निकले तो पोजीशन बनाइए 540 के टारगेट के लिए। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 295 के ऊपर, 2890 के ऊपर जब तक नहीं जाए कोई ये नहीं, जो रिस्की ट्रेडर है इस जगह पे पोजीशन बना सकते हैं 260 के ऊपर, स्टॉप लॉस 244 का लेके 280 के टारगेट के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क बनता है। L&T फाइनेंस जब तक 92 के ऊपर नहीं जाए कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लें तो ये धीरे धीरे लगता है LIC का IPO आते आते ये खुद 300 पे आ जाएगा, ऐसा स्थिति इसका चल रहा है। तो अभी इसके पास नीचे और सपोर्ट है 380 रुपये का, अगर ये 390 को ब्रेक करेगा तो 380 तक गिर सकता है। M&M फाइनेंस 156 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक हाथ मत लगाइएगा इसमें। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, ये सब स्टॉक में मौका ढूंढिए, इसको आना नहीं चाहिए था लेकिन उस दिन वो BSE जो बोल दिया कि भाई हम ये लगा रहे वो लगा रहे सर्किट लेवल वह लगा रहे, उसके चक्कर में इसको भी लोगों ने शॉर्ट मार के नीचे गिरा दिया, ये हिसाब हो गया इसमें। खैर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये मौका दिया और भी अच्छा पोजिशन बनाने का जिन लोगों ने छूट गया, गाड़ी पे नहीं सवाल हो पाया, इस ये स्टॉक फिर से अपने होल्ड पे आ चुका है और जिसको सवार होना है हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। मुथूट कैप की बात करें तो 420 के ऊपर निकलेगा, 430 से 40 के टारगेट देगा। मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं अगर तो 1480-85 के ऊपर निकलेगा, 1520 तक के टारगेट दिखाया। SR ट्रांसफिन की बात करें 1320 के ऊपर निकलेगा, 1360 से लेकर 1400 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है दोस्तों। तो ये था निफ्टी के फार्मा IT मेटल तथा साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।